एनसीसी प्रदेश अध्यक्ष रविंदर सिंह डोकरा ने प्रदेश की जनता से अपील करते हुए कहा कि प्रदेश अभी कोरोना मुक्त नहीं हुआ है, ऐसे में आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि मार्केट बाजार इत्यादि में सामान खरीदने के लिए अगर अति आवश्यक है तो ही परिवार के साथ जाएं, नहीं तो प्रत्येक घर से एक व्यक्ति बाजार आए और खरीदारी करे। उन्होंने कहा कि देश में अभी तक इस बीमारी की दवाई उपलब्ध नहीं है, ऐसे में अपनी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क रहें। इसके साथ साथ उन्होंने प्रदेश में लगातार बढ़ रहे संक्रमित मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सर्द मौसम में कोरोना पीक सीजन पर चल रहा है, मृत्यु आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। लोग केवल यही सोच रहे हैं कि केवल वही लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं जो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है, लेकिन बीते 2-3 दिनों से जिस तरह से मृत्यु दर बढ़ी है उनमें अधिकतर युवावस्था के लोग शामिल हैं। ऐसे में गलती से भी कोई संक्रमित व्यक्ति आपके संपर्क में न आए, इसको लेकर पूरी तरह सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। डोगरा ने कहा कि दीपावली पर्व हर्षोल्लास का पर्व है, ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही आपके जीवन में परिवार किसी भी तरह की कोई बाधा लेकर न आए, आपके परिवार से कोई सदस्य संक्रमित न हो, इसको लेकर पूरी तरह सतर्क रहें। इसके साथ साथ रविंदर सिंह डोकरा ने दीपावली पर्व की सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हुए सही सुरक्षित दीपावली मनाने का आह्वान किया। इसके साथ साथ एक दीपक उन लोगों की याद में भी जलाने को कहा जो इस महामारी में नहीं रहे। नमस्कार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश और मेरी ओर से हिमाचल प्रदेश के सभी निवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदेश के सभी निवासियों को दीपावली की शुभकामनाओं के साथ में मैं एक और मैसेज देना चाहता हूं। मेरा ये अपना व्यक्तिगत मानना है कि कोरोना काल में हम लोगों को दीपावली मनानी जरूर चाहिए, लेकिन अभी भी हमें भीड़ भाड़ से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विगत 3-4 दिनों में यदि आप लोग सब देखेंगे तो काफ़ी सारे केसेस जो हैं हिमाचल में दोबारा से आ गए हैं, और कुछ नए संक्रमण से जो मौतें हुई हैं उस पर आकलन करना हम सब लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसमें बुजुर्ग लोगों की ही मृत्यु हुई है, कुछ युवा 50 साल 48 साल और इससे नीचे के लोगों की भी मृत्यु हुई है कोरोना संक्रमण की वजह से। तो मैं सबसे ये नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप दीपावली पर्व को मनाएं जरूर, लेकिन बाजारों में भीड़ भाड़ ना करें। 2 गज की बजाय मैं कहता हूँ कि कम से कम 3 से 4 गज की दूरी रखें, मास्क जरूर पहने, और बहुत ही ज्यादा अगर आपको जरूरी है तो परिवार को साथ लेके बाजारों में जाएं, अन्यथा एक व्यक्ति कोई भी बाजार से जाके सामान, चाहे वो मिठाई है, चाहे वो दीपक है, चाहे वो बिजली का सामान है, या कोई भी ऐसी चीज है जो घर में जरूरी है, तो कृपया एक व्यक्ति बाजार में जाके उस सामान को ले आए। देखिए, आप लोग यदि स्वस्थ रहेंगे तो दीपावली पर्व हर साल आता है तो आप और अच्छे से मना सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर में ही कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाए भीड़ भाड़ में जाने की वजह से, जैसा कि हो रहा है, तो उस दीपावली पर्व का कोई फायदा नहीं आप लोगों को होगा, उल्टा आप लोगों के घर में एक परेशानी हो जाएगी, स्वास्थ्य विभाग भी परेशान हो जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य कर्मियों के पास भी इस चीज की दवाई नहीं है, वो आपको बचा नहीं सकते हैं, वो आपकी सेवा कर सकते हैं, आपका ध्यान रख सकते हैं। बचाना अपने आप को हर हिमाचलवासी का खुद का प्रयास होना चाहिए, बजाय इसके कि वो सरकार पे या स्वास्थ्य कर्मियों पे डिपेंड रहे। तो मैं चाहता हूं कि यदि आप दिवाली पर्व को मनाना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो आप बाजारों में ना जाएं, भीड़ भाड़ का सहयोग ना करें।